दो लेसन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आज तीसरे लेसन के क्वेश्चन और आंसर देखेंगे। चलिए, इसमें सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर देख लेते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, वूल इज़ ऑब्टेंड फ्रॉम। ऑप्शन में दिया गया है सीप, गोट, कैमेल, ऑल ऑफ द एबव। इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा, ऑल ऑफ द एबव। मतलब ऊल जो है, ऊन सीप से भी प्राप्त होता है, गोट से भी प्राप्त होता है और कैमल से भी प्राप्त होता है, इसलिए इसमें डी ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ द एबव। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ दीज प्रोसेसेस इज नॉट ए स्टेप ऑफ ऊल प्रोसेसिंग। ऊल की प्रोसेसिंग करने में नीचे दिए गए स्टेप्स में से कौन सा स्टेप ऊल प्रोसेसिंग में नहीं आता है, ये आपको बताना है। तो इसमें ए बी सी डी करके दिया है। ए में है कार्डिंग, बी में है रीलिंग, सी में है स्कोरिंग और डी में है सॉर्टिंग, जिसमें से बी ऑप्शन आपका सही है। रीलिंग की प्रक्रिया जो है, ये ऊल फॉर्मेशन में, ऊल की प्रोसेसिंग में नहीं बल्कि सिल्क फॉर्मेशन में उपयोग की जाती है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका होगा। थर्ड वाला ऑप्शन देख लेते हैं, सिल्क वाज फर्स्ट मेड इन। इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा, चाइना, फर्स्ट मेड इन चाइना। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, दिस इज़ नॉट ए वेराइटी ऑफ सिल्क। तो यहाँ पर फोर्थ में आपका डी ऑप्शन सही होगा, ब्लूबेरी, ये सिल्क की वेराइटी नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर द इनक्यूबेशन पीरियड ऑफ द सिल्क मॉथ इज़ अबाउट। इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा, 2 वीक्स। और सिक्स में देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज़ रेयरिंग ऑफ सीप नॉट कॉमन। इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा, तमिलनाडु। तो एक बार फिर से आपको ऑप्शन के बारे में बता देते हैं कि किस में कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पर आप देख लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन में आपका डी ऑप्शन सही है, सेकंड क्वेश्चन में आपका बी ऑप्शन सही है, थर्ड क्वेश्चन में आपका सी ऑप्शन सही है, और उसके बाद आगे चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में आपका डी ऑप्शन सही है। फिफ्थ क्वेश्चन की बात कर लें तो फिफ्थ क्वेश्चन में आपका ए ऑप्शन सही है, और सिक्स्थ क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर सिक्स की, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, जिसमें से पहले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं, द सिल्क वर्म इज़ रेयर्ड ऑन, जो सिल्क वर्म होता है वो किस पत्ती पर पाया जाता है, ये देखना है। तो इसमें आपका यहाँ पहला होगा ये मलबेरी, हिबिस्कस लीप पर नहीं पाया जाता है, मलबेरी लीप पर पाया जाता है। चलिए उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं, द रेयरिंग ऑफ द सिल्क मॉथ इज़ नोन एज। सिल्क पालन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे किस नाम से जानते हैं, तो यहाँ पर एक तो दिया गया है पीसी कल्चर और दूसरा दिया है सेरी कल्चर, तो इसमें पीसी कल्चर आपका नहीं होगा, सेरी कल्चर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आपका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग ऑफ सीप इज डन इन। अब देखते हैं शेयरिंग प्रोसेस यहाँ पर पूछा जा रहा है किस मंथ में होता है, समर में होता है कि विंटर में होता है, तो यहाँ पर दो ऑप्शन दिया गया है, एक समर और एक विंटर, जिसमें से एक हमको सेलेक्ट करना है।
तो यहाँ पर समर आपका सही होगा और विंटर आपका सही नहीं है, गलत है। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। नेचुरल ऊल फाइबर आर, जो नेचुरल ऊल फाइबर होते हैं वो किस कलर के होते हैं ये बताना है। तो इसमें आपका ब्लू नहीं होता है, ब्राउन कलर का होता है, ये आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ की तरफ, फिफ्थ देख लेते हैं। इसमें दिया है ऊल ऑब्लिक सिल्क इज़ कंसिडर्ड एज ए रॉयल फाइबर, रॉयल फाइब्रिक। इसमें आपका एक सेलेक्ट करना है, या तो ऊल या तो सिल्क, जो सही है। तो यहाँ पर सही आपका सिल्क है, ऊल आपका गलत है। इस तरह से आपके ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है। तो चलिए सी आ गया है, इसमें देखते हैं इसमें क्या करना है। इसमें ट्रू और फॉल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है कि कौन सा ऑप्शन ट्रू है और कौन सा ऑप्शन फॉल्स है। तो ज़रा देख लेते हैं ट्रू और फॉल्स के बारे में। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल लेंथ ऑफ फाइबर कंटेंड इन अ ककून इज़ अबाउट 5 किलोमीटर्स। ये आपका फॉल्स है, ये आपका फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दूसरा देख लेते हैं। दूसरे में क्या है, द रील्ड फाइबर्स आर ट्विस्टेड टुगेदर थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड थ्रोबिंग। ये ऑप्शन आपका सही है, ये ऑप्शन आपका सही है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इसमें देख लेते हैं कि थर्ड क्वेश्चन में क्या है। अंगोरा ऊल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम ए टाइप ऑफ रैबिट। इसमें हमको बताना है कि ये सही है कि गलत है। तो ये आपका गलत है, ये आपका फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। वर्कर इन द सिल्क इंडस्ट्री आर प्रोन टू शॉर्टर डिजीज। ये आपका ट्रू है, सही है। और फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, मेरिनो इज़ वेरी वेल नोन ब्रीड ऑफ सी। ये भी आपका सही है, ये ट्रू ऑप्शन है, ये ट्रू सेंटेंस है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ तक हो गया है। अब डी वाला देखते हैं, नेम द फॉलोइंग। इसमें एक सेंटेंस दिया गया है जो किसी न किसी एक नाम से जाना जाता है, एक शब्द से जाना जाता है, उसके बारे में हमको बताना है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले कि क्या है। एन एनिमल हुज फ्लीस इज यूज्ड टू मेक पास्मीना शॉल्स। यहाँ पर पास्मीना शॉल्स से ही उस एनिमल का नाम क्लियर हो जाता है कि उस एनिमल का नाम पास्मीना होगा। एनिमल का नाम पूछा जा रहा था तो एनिमल का नाम पास्मीना होगा, ये आप लिख लेंगे। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एन इन्फीरियर क्वालिटी सिल्क दैट इज़ मेड फ्रॉम डैमेज्ड ककून। तो इन्फीरियर क्वालिटी का जो सिल्क है जो बनाया जाता है वो जो डैमेज्ड ककून से बनाया जाता है, उस सिल्क का क्या नाम है। तो उस सिल्क का नाम है स्पन सिल्क, स्पन सिल्क। स्पन यहाँ पर यन होगा, आगे लिखा नहीं रहा है, फिर से ट्राई कर लेते हैं यहाँ पर लिखने का। स्पन यस पी यू यन स्पन सिल्क यस आई एल के, उसको स्पन सिल्क के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, आपका थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग रील्ड फिलामेंट्स ऑफ सिल्क टू यार्न। रील्ड फिलामेंट को, सिल्क के रील्ड फिलामेंट को यार्न में परिवर्तित करने के प्रोसेस को किस नाम से जानते हैं। तो आप यहाँ जहाँ देख लीजिए, एक नाम था यहाँ पर सी ऑप्शन के दूसरे क्वेश्चन में, थ्रोविंग। यहाँ पर यही लिखा जाएगा, उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को थ्रोविंग के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर इस वर्ड को आप लिख लेंगे। अगला है, फोर्थ क्वेश्चन है आपका, फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। द आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द सिल्क कैटरपिलर। कैटरपिलर
के आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग को किस नाम से जाना जाता है, तो यहीं पर आप देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है डी में जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें एक वर्ड लिखा है ककून, यस हटा दीजिएगा, ककून से प्लूरल नंबर है, यस हटा करके ककून आप लिख देंगे तो चौथे क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा। चौथे क्वेश्चन में ये ककून आपका सही माना जाएगा, इस वर्ड को आप चौथे क्वेश्चन के आंसर में लिख सकते हैं, उसे ककून कहा जाता है। अब चलिए पांचवे क्वेश्चन में देख लेते हैं, फिब्रोइन प्रोटीन इज एसोसिएटेड विथ दिस फाइबर। अब पूछते हैं कि ये प्रोटीन किस फाइबर के साथ पाया जाता है, जुड़ा होता है, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन होगा सिल्क फाइबर। सिल्क फाइबर इसका इस पांचवें क्वेश्चन का आंसर होगा सिल्क, सिल्क फाइबर। सिल्क फाइबर चलिए फिर लास्ट क्वेश्चन है आज, देख लेते हैं इसमें, इसके आगे का क्वेश्चन उसका आंसर बाद में दिया जाएगा, फिलहाल आज के लिए इतना ही है। लास्ट क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेनिंग द वूल फाइबर, वूल फाइबर के स्ट्रेनिंग के प्रोसेस को किस नाम से जानते हैं, तो उसको कहते हैं कार्डिंग, कार्डिंग CARDING, उसे कार्डिंग के नाम से जानते हैं, इसको आप आंसर में लिख लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, ये सारे क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो थर्ड चैप्टर से लिए गए हैं, डी तक आपका आज कंप्लीट कर दिया हूँ, इसके आगे के क्वेश्चन के आंसर आपको फिर कंप्लीट कराए जाएंगे, तब तक आप अपना नोट में लिख लीजिए और क्वेश्चन आंसर को याद कर लीजिएगा।